जय श्री राधे, हरे कृष्णा एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। सो ये हमारी प्यारी श्यामा हैं और उनकी लीला का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपकी जो लास्ट टाइम जो लीला रह गई थी इनकी बतानी, वो वाली बताने वाली हूँ। आई एम सॉरी कि मैं इनका जो सेकंड पार्ट है वो इतना लेट अपलोड कर रही हूँ, सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेकओवर की जो वीडियोस थे उसके ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हुए थे, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आए हुए थे, तो वही सब शॉर्ट्स एंड वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अभी तक। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारी प्यारी जो श्यामा है वो चली गई थी सेम डे जब वो आई थी, सज धज के वापस चली गई थी। और उस टाइम पर ये डिसाइड करना था कि या तो उनका पेडिस्टल ऐड ऑन होगा या फिर उनको एक्सचेंज कर देंगे किसी और श्री जी के साथ जिनका जो हाइट है वो सेम हो। लेकिन हमने उनको शाम के साथ बिठा कर उनकी पूजा अर्चना कर ली थी, उनको सजा दिया था, वो बिल्कुल हमारी ही श्री जी लग रही थी। और वो मतलब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उनको एक्सचेंज करूँ, तो मैंने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि एक्सचेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी हाइट बढ़े या ना बढ़े, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना शाम को पड़ता, तो आप उनको वापस दे दीजिए। लेकिन उनकी साइड से वो श्री जी थी तो उन्होंने कहा कि इनका जो पेडिस्टल है वो ऐड ऑन करवा देते हैं, ताकि हमेशा के लिए जैसे जो जोड़ा है वो आपके पास रहने वाला है, तो ताकि हाइट जो है वो मैनेज हो जाए। तो जब वो शॉपकीपर के पास लेकर गए तो उन्होंने हाइट बढ़ाने के लिए चरण कमल को तोड़ा नहीं, उन्होंने चरण कमल तोड़ने के बजाय चरण कमल के नीचे ही एक कटोरी ऐड कर दी पीतल की, ताकि उनके पैरों को कोई कष्ट ना हो। और इस बात से मुझे बहुत सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा जब आंटी ने मुझे बताया कि जिस वेल्डर, जिस शॉपकीपर के पास वो लेकर गई थी उनको जुड़वाने के लिए, तो उन्होंने जब वो वेल्ड कर रहा था तो श्री जी को बर्फ़ वाले ठंडे कपड़े में अच्छे से लपेट दिया था, उनके चरण वगैरह सब कवर कर दिए थे, और सिर्फ उनके चरण कमल से कटोरी उन्होंने अटैच कर दी। और वैसे ही ठंडे कपड़े में वो उनको लेकर गए वापस आंटी के पास, और फिर उसके बाद आंटी ने उनको हमें भिजवाया। तो ये मतलब कि शाम ने दूर बैठे ही उनकी रक्षा करी। और ऐसा श्री जी ने इसीलिए किया क्योंकि आपने जैसे फर्स्ट पार्ट देखा होगा शाम का, तो उसमें जब उनकी जो राधा रानी थी उनके साथ, उनके पैर चोटिल थे और साथ में राधा रानी के भी चोटिल थे, तो इसी तरह इन्होंने शाम का साथ देने के लिए, शाम के दर्द में उनका साथ देने के लिए ऐसा किया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। तो राधा रानी तो है ही ऐसी, वो उनकी आत्मा है, वो कृष्ण की आत्मा है, तो जब कृष्ण कष्ट में है तो वो भी कष्ट झेलेंगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो तो उनका साथ देती ही हैं। इसीलिए वो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्वीटेस्ट कपल है। और उस बीच जब श्यामा यहाँ पर नहीं थी तो उस टाइम में एक बच्चे का फ़ोन आया हमारे पास, यही वीडियो देख के शाम वाली, तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मुझे रास्ते में एक राधा रानी मिली हैं जो बिल्कुल आपके श्याम के साइज़ की हैं, और वो बिल्कुल न्यू विग्रह लग रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मतलब वो सेवित विग्रह है, वो बिल्कुल न्यू राधा रानी है। और मैंने जैसे शाम की वीडियो देखी तो उनके लिए मैं आपको राधा रानी देना चाहता हूँ, वही वाली। वैसे तो वो जो बच्चा था वो 11-12 साल का था, तो वो उन श्री जी की लाते ही सेवा करने लग गया था, साथ में ही सेवा करने लग गया था अपनी माता के साथ। लेकिन शाम की वीडियो देख के वो इमोशनल हो गया और उसने सोचा कि शाम के लिए जो वो श्री जी है वो भेज देता। तो वो बात सुनकर मुझे थोड़ा सा पछतावा हुआ, क्योंकि आंटी जब श्री जी लाई थी तो वो हमसे पूछ के लाई थी, वो शॉप से लाई थी, लेकिन ये जो श्री जी थी ये तो बिल्कुल अकेली थी, सड़क पे थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम भी अकेले थे और वो भी अकेली थी, तो ऐसा लग रहा था कि यही कपल हैं। उन्होंने फ़ोटो भी भेजी थी तो बहुत प्यारी हैं। लेकिन अब जब हमारे पास जो श्री जी थी वो आ चुकी थी, तो इसलिए हमने उन्हें कहा कि हमारे पास श्री जी आ चुके हैं, आप अगर चाहते हैं उनकी सेवा देना तो हम उनको स्टेटस पे और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे एंड वीडियो के थ्रू शेयर कर देंगे। अगर किसी को उनकी सेवा लेनी हुई तो हम
उनको दे देंगे, क्योंकि राधा रानी इतनी आसानी से किसी के पास नहीं जाती। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि अगर मैं ऐसा शेयर करूँगी कि ये जो राधा रानी हैं इनकी सेवा किसी को लेनी है, तो झट से जो भक्त हैं वो टूट के पड़ेंगे और कोई भी उनकी जो सेवा है वो लेने को रेडी हो जाएगा। मगर उस बच्चे ने कहा कि अब तो मतलब मैंने तो आपके लिए ही सेव करके रख रखी थी, वैसे मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, और अगर आपको नहीं लेनी, आप उनकी सेवा नहीं ले रहे, तो मैं ही इनकी सेवा कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि उस बच्चे के पास ऑलरेडी बहुत सुंदर विग्रह था उन राधा रानी से, बड़े वाले मीन्स 12 इंचज़ के विग्रह बहुत प्यारे हैं उसके पास। वो ऑलरेडी सेवा करता है काली माता की, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, लेकिन फिर भी उसने वो जो राधा रानी है वो अपनी काली माता के पास रख कर उनकी सेवा की। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि श्याम इतने नटखट हैं कि उनसे थोड़े दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ कि अगर श्री जी गए भी हैं तो उनके पीछे से उन्होंने दूसरे किसी को बुला लिया। बट जैसी इनकी इच्छा, आप देख ही सकते हैं कि जब श्री जी वापस आ गई थी तो वो शाम से भी थोड़ी हाइट में ऊंची लग रही थी, और शाम थोड़े से नाराज़ थे क्योंकि वो आते ही वापस चली गई थी और उनको 2-3 दिन का समय लग गया था आने में। लेकिन नेक्स्ट डे का श्रृंगार है ये, तो उस दिन शाम बहुत खुश हो गए थे जैसे ही श्री जी आई, और श्री जी का जो मेकओवर है उसको करने में भी बहुत टाइम लगा है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ऑर्डर्स आ रखे थे जिनको कंप्लीट करना हमारे अपने वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो हमने उन्हें प्रायोरिटी रखा और इसी तरीके से इनकी जो सेवा थी वो कंटिन्यू की। एंड फाइनली मैंने मोहिनी एकादशी से पहले इनका श्रृंगार करने का सोचा कि मोहिनी एकादशी से पहले इनका जो श्रृंगार है वो कंप्लीट कर देते हैं। सो आप देख ही सकते हैं कि हमारी प्यारी श्यामा कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये बहुत मतलब कि जैसे हमारे जो श्याम हैं वो सिंसेयर हैं, भोले हैं, थोड़े थोड़े नटखट हैं लेकिन उतने नटखट नहीं हैं जितने कृष्णु हैं। तो श्यामा की कृष्णु के साथ बहुत बहुत ज़्यादा पटती है, क्योंकि कृष्णु भी नटखट और हमारी प्यारी श्यामा भी बहुत नटखट। और देखिए ये भी हंस रही हैं श्याम की तरह बिना लिपस्टिक के, जैसे वो लास्ट वीडियो में हंस रहे थे, तो उसी तरीके से ये भी स्माइल कर रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारे छोटे छोटे भावों को ये कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना खुश होते हैं उन्हें देखकर, और हमें जितना हमने सोचा भी नहीं होता उससे भी ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। और जैसे सभी खुश हो जाते हैं मेकओवर करवाते हुए, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और जैसे इनका मेकओवर कंप्लीट हो गया था, मैंने इनका चरणामृत स्नान करवा कर और इनका श्रृंगार करके अच्छे से इनको स्थापित कर दिया था। और श्याम और श्यामा को पीले वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देखेंगे हर दूसरी ड्रेस इनकी येलो है, और रेड तो इन्होंने मेरे इंसिस्ट करने पर पहनी थी। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरे प्यारे कृष्ण का है, मेरे प्यारे प्यारे लाल का है, जो सबसे पहले आए और फिर उन्होंने मोहन को बुलाया, फिर राधा रानी को बुलाया, फिर श्याम को बुलाया मेरे लिए, और फिर श्याम ने श्री जी को बुलाया। तो बस ये हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार बन चुका है, और ये दोनों साथ में इतने प्यारे लगते हैं जब ये सज संवर जाते हैं, बस ऐसा मन करता है कि इनको देखते ही रहूं। एंड थैंक्स अ लॉट कि आप मेरे प्यारे से छोटे से परिवार को इतना प्यार करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जब भी मैं कृष्णु की, श्याम की, श्यामा की वीडियो, रील या कोई पोस्ट शेयर करती हूँ तो उस पर बहुत प्यार मिलता है कमेंट पे। और बस इसी तरीके से कीप शावरिंग योर लव फॉर कृष्णा एंड राधा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट टाइम जब मैंने लीला की वीडियो शेयर की थी तो मैंने आप सबसे ये भी कहा था कि अगर आपको भी कोई लीला की वीडियो शेयर करनी है अपने कान्हा की, अपनी राधा रानी की, तो आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।